रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन की नाकामी एक बार फिर सामने आई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अपटा गांव में दो गुटों में मामूली कहासुनी शुरू हुए विवाद में 5 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्चस्व की इस जंग में मृतकों के में 2 की शिनाख्त हो चुकी है, बाकी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आरोपी प्रधान पुत्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स और PAC वहां तैनात कर दी गई। दरअसल ऊंचाहार के अपटा गांव में प्रधानी के चुनाव से शुरू हुई रंजिश का खेल सीधे सत्तासीन BJP और विपक्ष के सपा के वर्चस्व की लड़ाई में कब बदल गया, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सूत्रों की माने तो प्रधान BJP समर्थक है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने BJP प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य, जो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं, उनका खुलकर समर्थन किया, लेकिन वे चुनाव हार गए। यहां से विधायक सपा के मनोज पांडे चुनाव जीते थे। इस चुनावी रंजिश में दोनों कई बार एक दूसरे के खिलाफ अपने लोगों से थाने से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायतें करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने हमेशा हाई प्रोफाइल मामला मानते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप सोमवार की रात इतनी बड़ी घटना घट गई। सोमवार रात जब सफारी सवार मनीष मिश्र, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सपा विधायक मनोज पांडे के करीबी हैं, अपने 5 साथियों के साथ गांव के पास पहुंचे और मौजूदा प्रधान पुत्र राजा यादव के साथ बहस करने लगे। देखते ही देखते बहस हाथापाई और गोलीबारी में कब बदल गई, इसका अंदाजा ही नहीं लगा। प्रधान पुत्र के साथ गांव वालों ने हमला करने आए सफारी सवार 6 लोगों में से 5 लोगों को पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। इधर 2 लोग गाड़ी में बैठे ही रह गए।